नए भारत की नई रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है, नए तरीकों और तकनीकों से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेलवे के विजन को साकार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास कर रही है। इस विजन को उत्तर प्रदेश 8,700 करोड़ से अधिक लागत के कई रेल प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर सिटी औड़िहार लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया। इससे सारनाथ और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही पंडित दीनदयाल जंक्शन प्रयागराज लाइन पर लोड कम होगा। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत से भटनी औड़िहार रेल खंड की 125 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण से इस रूट पर परिचालन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यूपी ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे कि प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में इंजन बदलने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और यात्रा समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6,000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6,000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नियत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। रेलवे विकास की इसी श्रृंखला में यूपी में करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबे औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण किया गया है, जिससे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज रूट पर दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सफर में लगने वाले समय में कमी आएगी। वैसे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही सरल है। अब रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 6,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 137 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोननगर नई लाइन के बीच स्थित है। इससे प्रदेश भर में कोयला, आयरन और स्टील समेत अनेक वस्तुओं की तेज आवाजाही संभव होगी। दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनें समयबद्ध होंगी। व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आज 525 करोड़ रुपए की लागत से व्यासनगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जा रही है। साथ ही करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, जिसे आगामी 50 सालों की जरूरतों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया की मिसाल गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत यूपी में आरामदायक और तेज ट्रेन यात्रा के अनुभव को और बढ़ा देंगी। ये सभी प्रयास हैं यूपी में एक सुगम, ग्रीन, तेज और वर्ल्ड क्लास रेलवे नेटवर्क स्थापित कर प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के इन कार्यों को कर रहे हैं देश को समर्पित।